खबर दी भरतपुर। रमनलाल गोस्वामी हेडलाइन दी कस्बे में नहीं किया जा रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन, उड़ाई जा रही है भर्तियां। भरतपुर जिले के बीच कस्बे में कोरोना वायरस की महामारी को चलते हुए परचून की दुकान वाले धड़ल्ले एसआई बेच रहे हैं। कॉल प्रिंट नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, जबकि राज्य सरकार द्वारा सुबह 9 बजे एसआई दोपहर 12 बजे तक समय है, शाम तक दुकान खोल कर देते हैं। ग्राहकों को सामान पुलिस आते ही शटर को कर देते हैं डाउन और पुलिस के जाने के बाद दोबारा यही रवैया चालू हो जाता है। लेकिन ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन है मुस्तैद नहीं करता है। इन दुकान वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई, ऐसा ही मामला दीप सब्जी मंडी में देखने को मिलता है। यहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है, मामला है कस्बे का। यहां पर कोरोना वायरस की महामारी खूब चलते हुए लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं करते हैं दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई और प्रशासन लीपापोती करते हुए आ रहा है। नजर प्रतिबंध तम्बाकू लाइट में बंद पौने दामों में बेचा जा रहा है, प्रशासन को पता होने के बाद भी नहीं करते हैं कार्रवाई। मामला एक कस्बे की सब्जी मंडी का, यहाँ पर परचून की दुकान वाले लाइट में गुटके का व्यापार कर रहे हैं।